हेलो बच्चों, आज आप लोगों के लिए झारखंड बोर्ड की तरफ से एक बड़ी खबर आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि इंटर आर्ट्स और कॉमर्स का रिजल्ट आज होगा जारी। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आज झारखंड बोर्ड की तरफ से एक बड़ी खबर आई है, जिसमें कहा गया है कि क्लास 12 यानी इंटर आर्ट्स और कॉमर्स का रिजल्ट आज जारी होगा। चलिए पूरा न्यूज को पढ़ते हैं। रांची हिंदुस्तान ब्यूरो झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की ओर से गुरुवार को यानी आज को 30 जून को इंटर आर्ट्स और कॉमर्स का रिजल्ट जारी किया जाएगा। रिजल्ट दोपहर 2:30 बजे जारी होगा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो इसे जारी करेंगे। यानी आप लोगों का इंटर आर्ट्स और कॉमर्स का रिजल्ट आज दोपहर 2:30 बजे जारी होगा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो इस रिजल्ट को जारी करेंगे। इंटर आर्ट्स की परीक्षा में इस वर्ष 1,90,819 छात्र छात्राएं शामिल हुए थे, वहीं कॉमर्स में 24,313 स्टूडेंट ही शामिल हुए थे। इसकी परीक्षा 24 मार्च से 25 अप्रैल तक 685 परीक्षा केंद्र में हुई थी। चलिए आगे पढ़ते हैं। बता दें कि 2021 में इंटर आर्ट्स में 90% और कॉमर्स में भी 90% स्टूडेंट पास हुए थे, जो झारखंड गठन के बाद अब तक का सबसे बेहतर रिजल्ट रहा है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगले साल कोरोना में स्टूडेंट को क्लास 11 के रिजल्ट के हिसाब से ही 12 का रिजल्ट को देकर ऐसे ही बिना एग्जाम लिए पास कर दिया था, इसीलिए रिजल्ट सबसे बेहतर हुआ था झारखंड गठन के बाद। आर्ट्स में 2,09,234 स्टूडेंट शामिल हुए थे अगले साल, इनमें 1,89,801 स्टूडेंट पास हो गए थे। वहीं कॉमर्स में 33,677 में से 30,472 स्टूडेंट पास हो गए थे। यानी आर्ट्स और कॉमर्स में अगले साल बिना एग्जाम लिए स्टूडेंट को झारखंड सरकार का शिक्षा मंत्री पास कर दिया था, जिसमें आर्ट्स और कॉमर्स दोनों में 90% स्टूडेंट पास हो चुका था। मैट्रिक और इंटर साइंस 2022 का परिणाम 21 जून को जारी कर दिया गया था। यानी इस साल मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट 2022 का रिजल्ट 21 जून को जारी कर दिया गया है। मैट्रिक में 95% और इंटर साइंस में 92% स्टूडेंट सफल हुआ है यानी पास हुआ है इस साल। तो चलिए अब देखते हैं कि इस वर्ष इंटर आर्ट्स और कॉमर्स का रिजल्ट कैसा होता है। तो आज की बड़ी खबर है, जिसमें कहा गया है कि इंटर आर्ट्स और कॉमर्स का रिजल्ट आज दोपहर 2:30 बजे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जारी करेंगे। यही आज का बड़ी खबर है।